भिलाई के प्रियदर्शनी परिसर स्थित के गुरुनाथ हॉस्पिटल में भर्ती हार्ट पेशेंट कैंप वन आदर्श नगर निवासी 75 वर्षीय एस ए खान को अस्पताल के मेडिकल से एक्सपायरी इंजेक्शन दे दिया गया। अटेंडेंट ने मरीज को लगाने से पहले एक्सपायरी चेक किया तो बड़ी गड़बड़ी पकड़ में आ गई। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। पूरा मामला सुपेला में संचालित गुरुनाथ हॉस्पिटल का है, जहां हॉस्पिटल की लापरवाही जहां उजागर हुई है, वहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी भी की गई है। बता दें, कैंप एक आदर्श नगर निवासी ऐसे खान, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष बताई गई है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दो दिन पूर्व ही उन्हें सुपेला गुरुनाथ अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जब उन्हें भर्ती कराया गया था, तब उनकी हालत काफी बेहतर थी, ऐसा परिजनों का कहना है। वहीं उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है, ऐसा अस्पताल द्वारा कहा गया। इसी दौरान मरीज के परिजनों में से किसी ने मिलने के दौरान एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन देखा। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है, ऐसे में अस्पताल प्रबंधन से बात करने व पूछने पर बदसलूकी अलग की जा रही है। बता दें, ये इंजेक्शन जो वहां एक्सपायरी डेट का रखा हुआ था, ये अस्पताल के ही मेडिकल स्टोर से लिया गया था। अस्पताल परिसर में भड़के परिजनों ने इसकी शिकायत भी सुपेला थाने में कर दी। पुलिस की समझाइश के बाद भी काफी गहमा गहमी का माहौल वहां बना रहा। परिजनों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम के समक्ष बयां की। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कैसे उनके फैमिली को बोल रहे हैं, तो गलत बोला है। सर, जिस दिन चाहे मर जाएगा मर जाएगा, तो आप छुट्टी दे देना। तब मैं भी फर्स्ट कर लेना, हम अपना घर मिलेगा। 5,500 का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं सर। मैं एक्चुअल क्या है सर, मैडम उनको देखने के लिए गया है, वहाँ बैठा का भाई का हाथ पकड़ करके बैठा था मैं। मेरी एकदम अचानक नज़र गई कि मैंने, यार ये दवाइयाँ क्या क्या चला रहे हैं, आखिर मैं भी देखूँ। मैं, जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन नहीं, पूरा इनका जो ट्रे रहता है, अच्छा, जिसमें ये दवा मंगा करके रखते हैं और पेशेंट के पास दे देते हैं। मैंने उसमें से उठाया तो एक एक चीज़ देखने लगा। इंजेक्शन पे मेरी नज़र पड़ी तो मैं बोला, ये इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट तो 5वें महीने की है, अभी चल रहा है 7वां महीना। तो ये दवा, दो इंजेक्शन है यहाँ पर पड़ा है, तो इसके पहले भी तो इन्होंने इंजेक्शन लगाया है। वो कौन सा इंजेक्शन है, वो कितने एक्सपायरी हो गए, क्या है, इस पर मुझे डाउट हुआ। इस बात पर फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब बोलते नहीं, इसमें 3 महीने ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन को 3 महीने एक्सपायरी के बाद 3 महीने बाद भी लगा सकते हैं। इसमें क्या डेट दिखा रहा है? इसमें बता रहा है 5वां महीना 23 बता रहा है एक्सपायरी, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग है 6वां महीना 21। 6वां महीना 21 है एक्सपायरी। मैडम, ले जाना क्या है, हम तो यहाँ लाए थे इनको अच्छा करने के लिए, लेकिन अब इनके ऊपर से हमारा भरोसा उड़ गया है। हम तो कश्मीर में पड़ गए हैं कि इनसे इलाज कराएं या ना कराएं। ये यहाँ की रिसिप्ट है, देखिए दवा इन्हीं, यही लोग लिखते हैं, ये लोग देते हैं, इन्हीं की मेडिसिन से हम लोग अंदर से ही दवा लेते हैं। जी हाँ, यहीं से हमने परचेस, हाँ, 3 महीने। और डॉक्टर हमको कहता है कि, मैं बोला सर ये 5वें महीना एक्सपायरी है, अभी 7वां महीना चल रहा है, आप इसके ऊपर में आप क्या कहेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसके बाद 3 महीने तक भी हम लोग इसको लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या नाम डॉक्टर? डॉक्टर का नाम है के गुरुनाथ। हमने 4 तारीख को रात में 10:30 बजे पापा को एडमिट किया, उनको हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने बताया हमको 4 तारीख को, डॉक्टर्स के जरिए पता चला कि ये पापा को हार्ट अटैक आया है। बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से भी, डॉक्टर साहब ने पूछे कि ये कहाँ हो आप, तो डॉक्टर साहब को पापा ने बोले कि हॉस्पिटल में। मैं कौन हूँ, बोले तो आप के गुरुनाथ डॉक्टर साहब हैं। बोले केस अब हमने एडमिट किया, तो उस टाइम पे 4 तारीख को रात में बिना चेकअप के बोल दिया गया था कि किडनी फेलियर है, किडनी फेल हो गई। बोले ठीक है सर, बोले इलाज करिए आप, कुछ हो सकता है। बोले ठीक है, मैं 3 से 4 दिन में कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक करके देने की कोशिश करता हूँ। हमने दवा परचेसिंग जो लिखे, हमने दवा लेकर के आए, जो इंजेक्शन लाए उसमें 2 इंजेक्शन एक्सपायरी डेट की मिली है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक और स्पीच दी उसमें कि एक्सपायरी होने के बाद 3 से 4 महीने तक लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। बोले ऐसा कुछ नहीं होता, ये बोले कि हाँ मैम, पापा के अंदर जा रहे देखने, तो उनके साथ थोड़ा अपशब्द यूज़ किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये बाहर निकली आप लोग।
नमक खराब है करके बोल रही है तो गलत है ना मैम, पैसा फ्री में तो है नहीं यहाँ पे, जो होगा प्रबंधन द्वारा बोला गया, मैम इस बात को बोला जा रहा है हराम खोर। अभी भाई को बोले भाई इधर आओ अंदर में क्या बोलती है, यहाँ पर क्या नमक हराम पेशेंट है यहाँ से निकलो बोलकर बोलती है, बगार नमक हराम इसके बाप का खाए हम लोग, अंदर में है वो चलना है, मेरी छोटी बहन और दो लोग और एक चचा बैठे, तो उन लोगों को बोलते आप अपने पेशेंट लेके निकलिए बोले बाहर, साले लोग सब पेशेंट लोग नमक हराम है बोले, हम लोग क्या सोच करके लाते हैं बोले निकलिए बोले जिसका